सीकर के जिस इमारत में बड़े नेता से लेकर फिल्म अभिनेता तक ने रात गुजारी हो, आज उस होटल के एक हिस्से को अतिक्रमण बताते हुए प्रशासन ने बुलडोजर की सहायता से नीचे गिरा दिया। बात है शहर के कल्याण सर्किल के पास स्थित होटल नटराज की, जिसके आगे के हिस्से को सड़क पर अतिक्रमण बताते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद ने पुलिस बल की सहायता से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नीचे गिरा दिया। कार्रवाई रविवार को छुट्टी के दिन अलसुबह की गई। इस दौरान प्रशासन का अमला पूरी सरकारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचा और तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए तो होटल मालिक और दुकानदारों ने विरोध भी जताया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दस्तावेज भी दिखाए, लेकिन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी और देखते ही देखते होटल के आगे के हिस्से और नीचे बनी दुकानों को तोड़ दिया। होटल तोड़ने की कार्रवाई पर मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई। वहीं दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन ने जबरदस्ती कार्रवाई की है, वे कई दशक से यहां पर दुकानों के जरिए अपनी रोजी रोटी कर परिवार का पेट पाल रहे थे, अब बेरोजगार हो गए हैं, दुकानें भी टूट गई है और प्रशासन ने पुनर्वास के भी कोई इंतजाम नहीं किए हैं। वहीं होटल मालिक विष्णु अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन ने अवैध रूप से उनके होटल पर कार्रवाई की है, यह नियमों के खिलाफ काम हुआ है। जमीन की खरीद सुधार रजिस्ट्री वाली जमीन पे स्थापित है, विधिवत परमिशन ली हुई है, नेशनल हाईवे से ली हुई है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से ली हुई है, नगर परिषद से ली हुई है, दुनिया की जितनी स्वीकृतियाँ हैं वो सब मेरे पास है। अब ये जो कार्रवाई की जा रही है ये इनकी दादागिरी है, दादागिरी है। म्यूनसिपल्टी के रिकॉर्ड भी राजस्व रिकॉर्ड में जो सरकार खुद रखती है उसमें यहाँ सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। डाक बंगला से बजरंग काटा तक जो कलेक्टर के अधीन रहता है, रेवेन्यू रिपोर्ट जिसको कहते हैं तहसील में रहता है, उसमें सड़क का अस्तित्व नहीं है। तो ये कार्रवाई अब अवैध है क्या? अवैध है, बिल्कुल अवैध है, 100% अवैध है। जब सड़क ही नहीं है तो अतिक्रमण कहाँ बात का? कोर्ट में जो आदेश दिया है, कोर्ट का फिलहाल इस बारे में कोई आदेश नहीं है, तोड़ने का है न तोड़ने का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है। कि जो होटल है इसका आंशिक हिस्से को अतिक्रमण मानते मानने न्याय ने आदेश जारी किया, जो PWD और जो नगर परिषद है वो मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई जारी है। बिल्डिंग है, भवन है, उसको कम से कम आंशिक प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए आपके तौर पे? प्रोटेक्शन के लिए सारा हेलमेट है, सारे वाहन है, साधन है, पुलिस है, जाप्ता है, स्टेट है, सारा का सारा पूरा प्रशासनिक अमल शांतिपूर्ण तरीके से आपने तरीके से अतिक्रमण करने की कार्रवाई चल रही है। सर कितने की हटाने की कार्रवाई की जा रही है? वो PWD और नगर परिषद दोनों ने मिलकर और वो चिन्हें लगा दिया है, आप देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग लग जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं ADM ने कहा कि सड़क पर होटल और दुकानों के आंशिक हिस्से को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की कार्रवाई की है, पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है, शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हमारे पास 80 के अनुरोध किए हैं, क्या हो रहा है? अरे रोड पे कहां है सर? NHAI की परमिशन हमारे पास है, आपके नगर परिषद का हमारे पास है। अच्छा, उसमें भी बरामदा निर्माण की है, बारिश साल निर्माण। सर आप आराम से, आराम से, दुकान कौन सी है? जैसे इस साइड की है, तो ये दुकान अनलीगल है या होटल अनलीगल है? आपने होटल ली है इस साइड की, और वो सब चेक करनी है, उसमें पान कराया का दुकान या होटल का कुछ करा है कि निर्माण का, आपको मंजूरी। आप सर उसको एक बार देखो, जजमेंट करो, उसके बाद आपको कार्रवाई करनी है, मैं सपोर्ट करूँगा। आपने नहीं देखा सर?